हाल ही में महामेट्रो ने बर्डी इंटरचेंज और प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन के बीच सेंट्रल एवेन्यू पर अपना पहला टेस्ट रन किया और जल्द ही इस क्षेत्र के नागरिक मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे इस संबंध में इन मार्गों पर नागरिकों को मेट्रो के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से महामेट्रो नागपुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर मेट्रो डायलॉग कार्यक्रम लागू किया जा रहा है रीच फोर के निकट डागा अस्पताल में मरीजों के परिजनों और स्टाफ से मेट्रो की बातचीत हुई गर्भवती महिलाओं और प्रसूति रोगियों के लिए डागा अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी संख्या के साथ साथ कम लागत के लिए इस अस्पताल में इलाज कराने वाले गरीब लोगों की कम संख्या के कारण आगामी मेट्रो यात्रा मेट्रो यात्रा को आसान और सुविधाजनक और सुरक्षित बना देगी इस दौरान अधीक्षक डॉ सीमा परवेकर ने कहा कि डाग अस्पताल की नर्सों से भी मेट्रो की बातचीत हुई नागपुर के विभिन्न हिस्सों से नियमित रूप से अस्पताल आने वाली कई नर्सों और डॉक्टरों ने मेट्रो सेवा और साथ में कई फीडर सेवाओं की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया बातचीत के दौरान महामेट्रो के अधिकारियों ने दर्शकों को महाकार्ड मेट्रो सेवाओं और एंड टू एंड कनेक्टिविटी के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ संबोधित किया मेट्रो सेवाएं जैसे स्टेशन ट्रेन शेड्यूल और अन्य जानकारी भी प्रदान की गई मरीजों के परिजनों मेडिकल छात्रों कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि वे सभी नागपुर मेट्रो में यात्रा करेंगे और निजी या निजी वाहनों का उपयोग करके कुछ हद तक प्रकृति के संरक्षण में योगदान देंगे उपस्थित लोगों से की गई अपील इस अवसर पर महा मेट्रो के वाणिज्य प्रबंधक एस जी राव उपस्थित थे कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी बी न्यूज नागपुर